हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वीज़ा एप्लीकेशन, ऑस्ट्रेलिया स्किल्ड वर्कर वीज़ा। फ्रेंड्स, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये साइट देख लीजिए आप, देखिए लेटेस्ट ये लोग अपडेट देते हैं। तो इस साइट पे फ्रेंड्स आप आइए और देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं जॉब वैकेंसी, स्कॉलरशिप, ये सब लेटेस्ट अपडेट आती है इस साइट को। फ्रेंड्स ध्यान में रखिए, यहाँ के आप हर चीज़ सर्च कर सकते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स ये क्या वीज़ा होता है। देखिए ये वीज़ा जो होता है इसको बोलते हैं सब क्लास 189। फिर से बोल रहा हूँ, सब क्लास 189 होता है, ये स्किल्ड लोगों के लिए होता है और इस वीज़ा की कोई टाइमलाइन नहीं है। मतलब समझ लीजिए, अगर आपने अप्लाई किया, स्पॉन्सर जो आपके हैं, एम्प्लॉयर हैं, तो अगर वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको इनडेफिनिट टाइम का वीज़ा मिल जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको न्यूज़ में बताऊंगा आगे जैसे हम बढ़ेंगे। अब देखिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, ये वीज़ा जो है सब क्लास 189 क्या होता है, नीचे आके मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, द स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा इज अ वीज़ा प्रोग्राम दैट हैज़ टू स्ट्रीम्स अवेलेबल फॉर ओवरसीज वर्कर्स एंड न्यूजीलैंड सिटीजन। तो हम न्यूजीलैंड सिटीजन की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम इंडियन सिटीजन, हम अपनी बात करेंगे। देखिए, यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ़ यू आर अ हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल एंड मीट द पॉइंट्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर आप हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दिस वीज़ा विल अलाउ यू टू वर्क, स्टडी एंड लिव इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। देखिए मैंने आपको बताया था इनडेफिनिट टाइम, मतलब फॉर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट तब आपको मिलेगा। और आप वीज़ा से आप क्या कर सकते हैं, वर्क, स्टडी एंड लिव, तीनों काम आप कर सकते हैं। फ्रेंड बहुत ही बढ़िया वीज़ा है सब क्लास 189। अब देखिए ये होता क्या है, मैंने आपको जैसे बताया इट्स अ स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा है। ये स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा इज़ अ वर्क वीज़ा दैट लेट्स यू लिव इन ऑस्ट्रेलिया इनडेफिनेटली, मतलब कोई टाइम बार नहीं है, जितना आपको चाहिए उतना मजे कर सकते हैं, रह सकते हैं आप। ठीक है, टू गेट अ 189 वीज़ा यू मस्ट बी इन्वाइटेड टू अप्लाई। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वहाँ से इन्विटेशन आना चाहिए एम्प्लॉयर से, और वहाँ से आके आप फिर अगर आपकी जॉब सेलेक्ट होगी तो आप जा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वीज़ा स्ट्रीम कौन कौन सी, एक तो है आपकी पॉइंट्स टेस्टेड स्ट्रीम है। इसमें क्या होता है, आपको स्पॉन्सर नहीं चाहिए फॉर दिस स्ट्रीम, यू डोंट नीड अ स्पॉन्सर और टू बी नोट, हाउ एवर यू मस्ट बी इन्वाइटेड टू अप्लाई। यू विल बी इन्वाइटेड इफ़ यू पास द थ्रेशोल्ड पॉइंट्स रिक्वायर फॉर अ वीज़ा 189। जनरली स्पीकिंग फॉर अ पॉइंट टेस्टेड स्ट्रीम वीज़ा यू मस्ट हैव एटलीस्ट 65 पॉइंट्स। अब देखिए ये एक पॉइंट सिस्टम होता है फ्रेंड्स, अगर उस पॉइंट सिस्टम में आपके 65 पॉइंट्स आ रहे हैं तो वहाँ से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको इन्विटेशन भेजती है। अब ये पॉइंट्स कैसे करना है फ्रेंड्स, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भेजूंगा जिसको पढ़ के आप जान सकते हैं कि आपके पॉइंट्स कैसे बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम नीचे आते हैं। न्यूजीलैंड स्ट्रीम का मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि हम न्यूजीलैंड के सिटीजन नहीं है। अब देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको, इसके लिए पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए आपको, कैरेक्टर डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए आपको, स्किल असेसमेंट डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका एक्सपर्टीज़ क्या है, कौन से डोमेन में आप काम करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग योर नेम चेंज, अगर नेम चेंज आपने किया है, ये जनरली इंडियंस करते नहीं है। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर को लेके जा रहे हैं तो उनका ये सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए आपको। ठीक है, बच्चों के लिए जनरली सब कुछ सेम ही है फ्रेंड्स, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब देखिए आप अगर कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके पास इन्विटेशन होना चाहिए, आपकी एज 45 के नीचे होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी स्ट्रीम है फ्रेंड्स, आप अप्लाई करिए। देखिए 45 बहुत ही इन्होंने रिलैक्स किया हुआ है एज लिमिट को, आप इसमें अप्लाई करिए। आपके पास एक स्किल होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया 65 पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड्स आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे फ्री में भेजूंगा, उसको पढ़ के आप जान सकते हैं कि आपको 65 पॉइंट्स कैसे लेने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मुझे कॉन्टैक्ट करिए, ये 65 पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। फ्रेंड्स मैं ऐसे कोई कंडीशन नहीं रख रहा हूँ, देखिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए ताकि लोगों को पता चले कि फ्री में उनकी हेल्प कैसे हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अब ये हो गया आपका, जो मैंने आपको बताया सब क्लास 189। फ्रेंड्स ये होता है एक ऐसा वीज़ा है जो आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए आपको ये देता है, अलाउ करता है, और इससे आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन भी बहुत जल्दी बन सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, मुझे कॉन्टैक्ट करिए और हम लोग आपके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।